ये वो बस है जिससे मैं अभी उतर गई हूँ और अभी हम चल रहे हैं ब्रिज की तरफ। ये है यहाँ की जो बहुत फेमस ट्रॉली है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका थोड़ा सा व्यू। ये यहाँ की ट्रॉली है जो बहुत फेमस है, आई थिंक ये इंटरनल रोड्स पे चलती है। और ये और साइड सीइंग बसेस पार्क्ड हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आई हैं गोल्डन ब्रिज पे। और गोल्डन ब्रिज अभी हमारे राइट हैंड साइड पे है, सो आई एम जस्ट क्रॉसिंग द रोड। सो फाइनली हम खड़े हैं अभी, नो सरप्राइजेस, गोल्डन ब्रिज के बिल्कुल ऑपोजिट। और ये एक स्टॉप है जहाँ पे हमें उतरना बहुत ज़रूरी था। और ये जो गोल्डन ब्रिज है जस्ट बिहाइंड अस ओवर हियर, सब लोग फोटोज लेने में मस्त है। तो इसके अलावा यहाँ पे सिटी का पूरा आई थिंक व्यू आ रहा है। देखते हैं कहाँ से हमें खड़े होने का मौका मिलता है। यहाँ कुछ लिखा भी हुआ है, ग्लोरियस गोल्डन गेट और समथिंग, वो भी आपको दिखाते हैं। पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है अभी हमारे पास। तो ये है हमारा ब्रिज जस्ट बिहाइंड अस लाइक दैट। बहुत बड़ा ब्रिज है और ये 1923 में बना था। और आज सुबह ही मैं इसके बारे में देख रही थी इंटरनेट के ऊपर कि क्या क्या है। तो ये जो ब्रिज है बहुत पुराना बना हुआ है और अपने टाइम का एक बहुत ही बढ़िया ब्रिज है। और ये पूरा सिटी का व्यू, यहाँ से सिटी नज़र आ रही है, सी है, पूरा सिटी हमारे बिल्कुल सामने है। और ये लोग यहाँ पे जो ब्रिज की फोटोज लेने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं चल के। देखिए आसपास पहाड़ है पूरे हरे। सो चलिए एक और टिक इन द बॉक्स हो गया, बहुत मजा आया यहाँ तक पहुँच के। तो अभी 15-20 मिनट पे यहाँ पे बस आएगी, तो हम भी बस पे चढ़ के उसके बाद देखते हैं किसी और स्टॉप पे जाएंगे। आई थिंक ये बस का लास्ट स्टॉप था क्योंकि मैं रास्ते में कहीं पे उतरी नहीं हूँ। तो अभी वापस जाते हुए मेरी कोशिश रहेगी कहीं एक दो जगह रुकेंगे और थोड़ी बातचीत करेंगे। तो चलिए एक टिक इन द बॉक्स और होगी। आज मेरा ये गोल्डन ब्रिज देखना था और मैंने देख लिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। और मुझे ब्रिज के साथ एक दो फोटोज चाहिए, तो कोशिश है कि अच्छी सी फोटोज कैप्चर कर सकूँ। सो टेक केयर, आई विल टॉक टू यू इन अ बिट। चलिए एक और पूरा स्नैपशॉट हो जाए प्रॉपर एक इसका, ब्रिज का पूरे का। तो मैंने एक साइड से शुरू किया है कैप्चर करने के लिए। यहाँ पूरी नीचे ढलान है जहाँ मैं खड़ी हूँ। ये सामने ब्रिज है और इसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में पूरा सिटी का व्यू है। सो ये था हमारा गोल्डन ब्रिज। सो अभी मैंने गोल्डन ब्रिज पूरा कैप्चर कर लिया है और मैं बैठी कहाँ हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। आप कहेंगे आई एम इनसेन, हाँ मैं बिल्कुल इसके ऊपर बैठी हुई हूँ और मेरी साइड में पूरी खाई है, देखिए। और पूरा ब्रिज नजर आ रहा है, बढ़िया ही लाइफ है। लाइफ एक बार है, तूफानी है, एडवेंचरस है। सो एडवेंचर करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं कौन सा गिरने वाली हूँ, गिर भी गई तो कोई बात नहीं, वीडियोस आप तक जरूर पहुंच जाएंगे, आई एम जस्ट जोकिंग क्या। तो ब्रिज जो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मेरे पीछे है, देखिए यहाँ पे मैं ऊपर बैठ के हवा का और धूप का मज़ा ले रही हूँ। अभी मैंने अपनी जैकेट वगैरह सब उतार के नीचे रख दिया है ज़मीन पर, मेरा पर्स भी वहीं पर है। तो सिटी सामने बहुत अच्छी लग रही है देख के और ब्रिज भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा ट्रिप सैन फ्रांसिस्को में ब्रिज का और पूरी सिटी के व्यू को कवर करने के लिए। तो ये नीचे आपको खाई का भी थोड़ा सा दिखाती हूँ कि हम कितना धरती से ऊपर हैं, देखिए। सामने भी एक और ब्रिज है पर आई थिंक मेरा कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑपोजिट धूप पड़ रही है। तो ये सीनरी है यहाँ से जहाँ पर मैं इस वक्त बैठी हूँ, पूरे पहाड़ हैं आसपास और कुछ लोग तो ब्रिज पे मुझे चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आई थिंक पीपल लव टू वॉक एंड टेक पिक्चर्स ऑन द ब्रिज, विच आई एम नॉट गोइंग टू डू। आई डोंट वांट टू गेट टायर्ड क्योंकि कल भी मैं बहुत थक गई थी पूरा दिन चल चल के। सो आई थिंक ब्रिज के लिए दिस इज इट फॉर नाउ एंड अभी मैं अपनी बस का वेट करूंगी एंड विल लीव फ्रॉम हियर एंड विल एक्सप्लोर समथिंग एल्स। सो टेक केयर फॉर नाउ। Thank you.
वे मैं अपना कोट डालना भूल गई थी बैठने से पहले, अभी मेरा कोट नहीं मेरे पैरों में पड़ा और मेरी खुशी जम रही है। यूनियन स्क्वायर है यहाँ का, बहुत फेमस है और इसके पीछे यूनियन स्क्वायर एक्चुअली मॉल भी है एक, जो हमने जाते हुए भी देखा था, पर इधर से हमें जाते हुए वापस एक अच्छा व्यू मिल गया तो मुझे लगा कि आपको दिखा दिया जाए। और ये जो बिजू बीच आपको बिल्डिंग एक बनती हुई नज़र आ रही होगी, वो बिल्डिंग यहाँ की सबसे हाइएस्ट बिल्डिंग होगी लेकिन अभी कम्प्लीट नहीं है। ये पूरी शॉपिंग स्ट्रीट है यहाँ की। हमने बहुत सारे पियर 5 फुट हमने कवर किए थे, वो सारे पियर अब मैं आपको बस में से दिखा रही हूँ। ये पियर का दीवाना भर क्रॉस कर रहे हैं, ये अल्कट्रास जहाँ पे हमने जेल देखने जाना था पियर 33, लेकिन टिकट्स हमें नहीं मिल पाए। आगे आ रहा है पियर 35। ये व्यू है आसपास, कल हमने चलते हुए कवर किया था, आज मेरा दिल किया कि आपको बस में से दिखा दिया जाए। सो वेल, दिस वॉज द स्टॉप वी स्टार्टेड फ्रॉम और इस स्टॉप पे अब हम उतरने वाले हैं। अभी पूरी बस खाली हो गई है, सब लोग उतर गए हैं, मैं अपनी टर्न का वेट कर रही हूँ। अब हम निकलते हैं नीचे की तरफ। So let's say bye to the driver. Thank you so much. Are you welcome? Bye, take care. Have a nice day. Thank you. Bye bye. तो चलिए, जिस स्टॉप से हमने शुरू किया था अभी उसी स्टॉप से हम निकल गए हैं। और ये पीछे देखिए, जो हट्टे कट्टे नौजवान यहाँ पे भी मांग रहे हैं। यहाँ यूजली जो ब्लैक लोग होते हैं वो लोग ये सब काम करते हैं, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तो हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस का ये सिस्टम रहता है कि जैसे मैंने अभी दोपहर में ही पूरा एक सिटी का टूर ले लिया है जहाँ जहाँ जाना था, अगर मुझे दोबारा इनकी इसी बस में अभी दोबारा से पूरा टूर करना है तो मैं दोबारा पूरे दिन के लिए, क्योंकि वो पास वैलिड है, तो मैं दोबारा भी इस बस में जाके दोबारा से सिटी टूर भी कर सकती हूँ, जो कि हमें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी। तो चलिए, ये इनका ऑफिस था पीछे जहाँ से मैंने सुबह टिकट ली थी बिग बस करके, और हम जहाँ से शुरू हुए थे अभी हम अपने सफ़र को वहीं पे एंड कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद हम चेंज करके फिर निकलेंगे बाहर, फिर गपशप मारेंगे एक दूसरे के साथ। सो टेक केयर टिल देन।